जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से संबंधित सारे प्रश्नों को आज कवर करने का प्रयास किया है। और इन सभी प्रश्नों को जो भी परीक्षा में आ सकते हैं, इनके लिए हम ट्रिकी वे में याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे वो आज आपको याद हो जाएंगे। और ये सीरीज निरंतर चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछले जो भी वीडियो हैं वो भी दे सकते हैं, और रोज आप सुबह हमारे वीडियो को देख सकते हैं और सारे के सारे करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, महरियाली जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किसने किया है आपको बताना है। ये चार विकल्प में से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा सही इसका हरदीप सिंह पुरी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? हरियाली आ रहा, हरियाली महरियाली है ना, हरियाली महरियाली में हरियाली आ रहा ना, हरी हिरी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? हर आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इस प्रकार से हम याद भी कर सकते हैं थोड़े से शब्दों के हेर फेर से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई? जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, और मैंने नोबेल पुरस्कार का एक पूरा वीडियो बना के आपको दिया है, पूरा का पूरा वीडियो है, पूरे नोबेल पुरस्कार हैं और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, और इनकी पत्नी हैं एस्थर डुफ्लो। इन्हें और माइकल क्रेमर को, तीनों को संयुक्त रूप से ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हैगिवेस तूफान ने तबाही मचाई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जापान। अगर हमसे हम आपसे बोलें कि जा पान लेकर आ, पान लेकर आ, तो आप बोलोगे कितने, तो कितने पान लेकर आना है? 20। तो हैगी 20 जो तूफान आया है वो कहाँ आया है? जापान है। आप जापान पान लेने गए और क्या आ गया? हैगी 20 तूफान आ गया। इस प्रकार से आपको याद करना है, 20 पान लाना है, 20 पान, ठीक है। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में जो है मोदी को फॉलो करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति हैं। और दोस्तों, इसको कैसे याद करना है? वैसे भी आपको याद हो गए होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ग्राम विकास या ग्राम कल्याण पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो ग्राम, तो इंस्टाग्राम और मोदी से रिलेटेड ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में किस राज्य के चाय बागानों में हो रहे श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का वर्णन किया है? तो आपको पता होगा चाय से संबंधित जो हमारा राज्य वो कौन सा है, वो है असम, मतलब विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस भारतीय नन का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो किसे संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो है मरियम थ्रेसिस। विकल्प नंबर एक जो है इसका वो सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई है दोस्तों, मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर मरी और यम आ रहा है, यम के पास पहुँच गए, उसके बाद संत की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आइकॉन नामक उपग्रह लॉन्च किया है? आपको बताना है आइकॉन नामक, तो किसने किया है जल्दी से बताइए। तो ये आइकॉन नामक जो उपग्रह है वो नासा ने किया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन जीतेगा? डच, हमारे भारत आए थे डच व्यापार करने, और उनका लक्ष्य क्या था? व्यापार करना। उसी प्रकार से डच ओपन बैडमिंटन इन्होंने, किस, कौन जीतेगा?
लक्ष्य जीतेगा, क्योंकि लक्ष्य डच का जो लक्ष्य था वो व्यापार करना था, इसलिए लक्ष्य सेन ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमलों के कारण खतरों की बढ़ती आशंका के मद्देनजर किस देश में 3,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने की घोषणा की है? तो किस देश में की है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, मतलब विकल्प नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि अगर ड्रोन हमला होता है तेल संयंत्रों पर तो क्या होगा, अरबों की जनधनी जनधन की हानि होगी। तो अमेरिकी जो अमेरिका है वो कहां पर करेगा, अरब, सऊदी अरब में, क्योंकि ड्रोन हमले से अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। हाल ही में कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है? तो जल्दी से आपको बताना है, पहली बनी है और कौन बनी है, तो प्रांजल पाटिल, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। ये पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है दोस्तों। और आपको पता होगा कि हमारे देश की प्रथम राष्ट्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, वैसे ही ये महिला आईएएस भी कौन बनी, कोई पाटिल ही होंगी, तो प्रांजल पाटिल, इस प्रकार से याद भी कर लेंगे, पहली नेत्रहीन महिला आईएएस प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरिया में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए किसने मानवीय सहायता के लिए 5 करोड़ डॉलर की राशि दी है? तो जल्दी से आपको बताना है, उत्तर इसका सही हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा, है ना, डोनाल्ड डोनेट करते रहते हैं, ठीक है, डोनेट। तो सीरिया में इन्होंने 5 करोड़ डॉलर की राशि दी है। भारत के किस शहर की 75 वर्षीय बकुलाबेन पटेल इस उम्र में आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने वाली वे देश की पहली महिला बन गई हैं? तो किस शहर की हैं 75 वर्षीय? और ये दोस्तों आरंगेत्रम जो है भरतनाट्यम का एक अंग माना जाता है, और इसकी प्रस्तुति देने वाली वो पहली महिलाएं ऐसी बनी हैं जो 75 वर्ष की हैं। तो वो कहाँ की हैं, वो सूरत की हैं दोस्तों, सूरत। और हमें इनकी सूरत देखना है, 75 वर्षीय, सब लोग इनकी सूरत देखना चाहेंगे कि कौन सी महिला है जो 75 वर्ष में भी ऐसी अच्छी प्रस्तुति दे रही हैं। तो सभी लोग सूरत देखना चाहती हैं, तो इसलिए ये सूरत की हैं, इस प्रकार से याद भी करेंगे। और आपके लिए जो प्रश्न है कल के लिए, कि नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो आपको बताना है, ये चार विकल्प में से एक चयन आपको करना है, ठीक है दोस्तों। आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फेसबुक पेज से आपको जुड़ना है, सर्च करना है आईएएस स्टडी ट्रिक, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको आईएएस स्टडी ट्रिक सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है आईएएस स्टडी ट्रिक। और निरंतर ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं दोस्तों, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिखें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जो भी प्रश्न की ट्रिक निकलती है याद करने की, वो हम निकालने का भरपूर प्रयास करते हैं, और हमारा यही प्रयास होता है कि आपको याद हो करंट अफेयर्स एक ही बार पढ़ने में। तो ये हमारी एक पहल है ज्ञात से अज्ञात की ओर दोस्तों। इस पहल को निरंतर जारी रखने के लिए आपका प्रोत्साहन, आपका सहयोग हमेशा बने रहेगा, तो निरंतर ये प्रयास रहेगा और भी अच्छा ये प्रयास निखर कर आएगा, आप सभी को करंट अफेयर्स याद करने का एक अच्छा मौका प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।